चलो डुबा डुबा दो, डुबा डुबा तीन, बताओ सबसे पहले कौन बनवाएगा मुझसे चित्र? मैं। डुबा डुबा दो, चलो अपनी जगह पे जाके किसी अच्छी मुद्रा में खड़े हो जाओ। ये हाँ, बस 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 बस, बिल्कुल ठीक। ठहरो डुबा डुबा चार, अब तुम डुबा डुबा दो का चित्र छोड़कर पहले बनाओ मेरा एक बढ़िया सा चित्र। नहीं, है उठाया था हाथ मैंने पहला, तो बनेगा चित्र पहले मेरा। तो हुआ क्या, हूँ मैं तुम्हारा सेनापति, माननी पड़ेगी तुम्हें मेरी बात, इसलिए बनेगा पहले मेरा चित्र। चित्र मेरा बनेगा, डुबा डुबा दो, बनेगा पहले मेरा चित्र। डुबा डुबा एक, मित्र डुबा डुबा एक सेनापति होने का रौब दिखा रहा है, तो चलो मैं भी अपने मित्र के साथ थोड़ा मजाक कर लेता हूँ। डुबा डुबा एक दो, शांत हो जाओ। डुबा डुबा दो, डुबा डुबा एक तुम्हारा सेनापति, इसलिए तुम्हें उसकी बात माननी पड़ेगी, इसलिए पहले चित्र बनेगा तो डुबा डुबा एक का, और उसका चित्र मैं खुद बनाऊंगा। बना बना तुम बालवीर, एक मेरा एक बढ़िया सा चित्र। ठीक है डुबा डुबा, लाओ। देखो अब डुबा डुबा तुम किसी अच्छी मुद्रा में खड़े हो जाओ। पालवीर है ये कैसी मुद्रा? नहीं 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 नहीं। डुबा डुबा तुम फल खाने वाली मुद्रा में खड़े हो जाओ। वाह हे भटकाती परी, बनाओ डुबा डुबा एक का ऐसा चित्र जो हम देखे तो हमें लगे डुबा डुबा एक सुंदर, और जब वो खुद देखे तो दिखे उसे बंदर। डुबा डुबा एक तैयार हो गया तुम्हारा शानदार चित्र, देख लो। बंदर बालवीर, वो दिखता क्या मैं बंदर जैसा? डुबा डुबा एक बंदर, ये तो तुम्हारा चित्र है, ध्यान से देखो। नहीं नहीं बालवीर, है नहीं मेरा चित्र, है ये बंदर का चित्र। अच्छा हाँ, तुम उनसे पूछ लो, आप सब भी देखो। बताओ है ये चित्र किसका? तुम्हारा। अच्छा डुबा डुबा चार, हाँ बोलो। बताओ मुझे, है ये चित्र मेरा या फिर बंदर का? बात तो एक ही है। हाँ हटो तुम यहाँ से। डुबा डुबा तीन, है क्या? बताओ मुझे कि है ये चित्र मेरा या फिर बंदर का? तुम्हारा। मेरा? मैं तुम्हें बंदर दिखता हूँ, हटो तुम्हें यहाँ से। डुबा डुबा दो, हो तुम नाराज मुझसे? डुबा डुबा दो, बोलो क्या है। बताओ मुझे कि है ये चित्र मेरा या फिर बंदर का? तुम्हारा। डुबा डुबा दो, है नहीं ये मेरा चित्र, है ये बंदर का चित्र। बालवीर कर रहे थे ये तुम मेरे साथ मजाक ना? हाँ कहो सच। हाँ डुबा डुबा, मैंने ये सब तुम्हें तुम्हारी गलतियों की सजा देने के लिए किया। अगर तुम्हें डुबा डुबा चार से अपना चित्र बनवाना ही था तो तुम्हें अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए, लेकिन नहीं, तुम तो उन पर अपना रौब जानने लगे। डुबा डुबाई, हमने तुम्हें सेनापति इनकी मदद करने के लिए बनाया है, ना कि इन पर अपना हुकुम चलाने के लिए। हो गई गलती मुझसे बालवीर, कर दो माफ मुझे।
कर दो माफ मुझे डुबा डुबा भाइयों। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं डुबा डुबाई। वैसे डुबा डुबा चार तुम्हें चित्रकारी करने का कैसे सोचा? लटखट परी को देखकर जो पश्चिम दिशा में कर रही है अद्भुत चित्रकारी। अरे वाह, फिर तो हूँ बनवाता अभी मैं उनसे अपना चित्र। मतलब है, चल के देखना चाहिए हमें भी, है ना बालवीर? हाँ। अरे ये तुम लोग क्या कर रहे हो, क्यों डर रहे हो इतना? क्यों डर रहे हो क्या? कुत्ते का नाम कभी ढोकला होता है क्या? ढोकला है कुत्ता है पता ही नहीं चलता है। कितना? अरे जब कोई इसे ढोकला कहकर नहीं बुलाता तो इससे बहुत गुस्सा आता है और ये उसे काट लेता है। काट लेता है? एक भाई मैं तुझे ढोकला ही बोलूंगा, कभी भी कुत्ता नहीं बुलाऊंगा। खबरदार, ये बहुत ही संस्कारी कुत्ता है, सब लोग इसे ढोकला कहकर ही बुलाएंगे। अच्छा, मतलब ये ढोकले को कुत्ता नहीं कह सकते? अरे ढोकले को कुत्ता नहीं कह सकते? ढोकले को कुत्ता नहीं कह सकते? इसको कुत्ता नहीं बोलना है, ढोकला बोलना है। अच्छा, कुत्ता नहीं बोलना है। मैं कब तक यहाँ बैठा रहूंगा? उसका ध्यान नहीं है, मैं जरा उधर चला जाता हूँ। आइए परियो, आज हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। ये तो रानी परी की बहुत सुंदर मूर्ति है। हाँ भटकाती परी, और हम चाहते हैं कि रानी परी की याद में उनकी ये मूर्ति हम परी मैदान में लगाए। ये तो बहुत ही अच्छा विचार है बाल परी, इससे हम उन्हें हमेशा याद रखेंगे और उनसे प्रेरणा भी लेंगे। ये सुरक्षा भोपो अचानक क्यों बजने लगा? वो देखिए, ये आग का गोला तो इसी तरफ बढ़ रहा है। ऐसा लगा छल का सुरीला वार परियों? छल परी, तुम्हारा साहस कैसे हुआ परीलोक में आने का? छल के सुर तो हवा में बहते हैं, जिन्हें कोई रोक नहीं सकता। और वैसे भी रानी परी के जाने के बाद अब भयंकर परी ही परीलोक की रानी परी बनने वाली है, तो फिर मेरा तो यहाँ आना जाना लगा ही रहेगा। उससे पहले हम तुम्हारे सुर बिगाड़ देंगे छल परी। हाँ, छलपरी, अब तुम हमारी कैद में हो, तैयार हो जाओ समाप्त होने के लिए। समाप्त और मैं? मुझे कैद करना तुम्हारे बस की बात नहीं, क्योंकि मैं छलपरी नहीं, छलपरी की छाया। असली छलपरी तो छल लोक में बैठकर तुम्हारी इस हालत का मजा ले रही है।
बालपरी, परी लोक पर इस प्रकार का आक्रमण, ये तो बहुत ही खतरे वाली बात है। आज तो किसी तरह से हमने अपने आप को इस प्रहार से बचा लिया, लेकिन दोबारा बालपरी अगर इस प्रकार का आक्रमण हुआ तो हम खुद को नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि हमारे दंड में हमारी शक्तियां नहीं है। बालपरी, बालपरी, हमारी आपसे एक गुजारिश है कि कृपा करके हमारे दंड में हमारी शक्तियां लौटा दीजिए। नहीं नाराज परी, हम मानते हैं कि रानी परी के जाने के बाद परीलोक का सुरक्षा कवच थोड़ा सा कमजोर पड़ गया है, और इसलिए बुरी शक्तियों का परीलोक में आकर हम पर आक्रमण करना आसान हो गया है। लेकिन इससे बचने का उपाय सिर्फ हमारी जादुई शक्तियां नहीं है। क्या हम नया सुरक्षा कवच बना सकते हैं बाल परी? हाँ, और इस बार ऐसा सुरक्षा कवच लगाएंगे जिसे कोई नहीं भेद पाएगा, और उस सुरक्षा कवच के लिए हमें सुनहरे लोक जाना होगा। सुनहरा लोक? सुनहरे लोक में ऐसा कौन सा कवच है बालपरी? सुनहरे लोक की सुनहरी झील के अंदर सुनहरे कमल में छिपा है तीनों लोगों का सबसे मजबूत सुरक्षा कवच, सुनहरा ताला। हमारा एक सवाल है, सुनहरे ताले से क्या परीलोक सुरक्षित हो जाएगा बालपरी? हाँ, क्योंकि ये एक ऐसा ताला है जिसकी कोई चाबी ही नहीं है। ये जिसके कहने पे बंद होगा सिर्फ उसी की आवाज सुनकर ये खुल पाएगा। एक बार ये सुनहरा ताला हम परीलोक पर लगा देंगे, फिर कोई भी बुरी शक्ति इसे खोलकर अंदर नहीं आ सकती। फिर तो हमें जल्द से जल्द सुनहरा ताला लेकर आना चाहिए बालपरी। हाँ बालपरी, हमें परीलोक की सुरक्षा के लिए तुरंत ही सुनहरे लोक जाना चाहिए। हाँ, लेकिन हम चाहते हैं कि बालवीर भी हमारे साथ वहां चले। हाँ, लेकिन बालवीर है कहाँ? ना बालवी, डुबा डुबा एक, तुम दोनों यहाँ? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि कर रही थी आप चित्रकारी एकदम खोकर, इसलिए रोका मुझे बालवीर ने बताने से आपको। लेकिन नटखट परी, ऐसा लग तो रहा था कि आप चित्रकारी कर रही, लेकिन आपका चित्र दिखाई नहीं दे रहा है। अरे बाबा, यही तुम्हारे सामने ही तो है मेरा चित्र, देखो। सामने? सामने? सामने तो परीलोक का दृश्य है। हाँ, है लगता आज है कर रहे सब मेरे साथ मजाक। नहीं डुबा डुबाई, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। जो तुम्हें सामने दिखाई दे रहा है वही तो मेरा बनाया हुआ चित्र है, देखो। अगर ऐसा है तो वो चित्र हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा है नटखट परी? अच्छा रुको, मैं अभी तुम्हें अपना चित्र दिखाती हूँ। दिखाइए। देखा, ये जो मेरे हाथ में है
वो मेरे ही बनाए हुए चित्र का हिस्सा है। और जो इसकी जगह में दिखाई दे रहा है हा? वो परीलोक का दृश्य है। अरे वाह, ये तो अद्भुत है। हाँ बालवीर, है नटखट परी के हाथ में बिल्कुल वैसा ही चित्र का हिस्सा जैसे है ये सामने का दृश्य। है ना कमाल की चित्रकारी। और अब ये देखो, वाह वाह वाह, ये कोई जादू नहीं है, मेरी नई प्रकार की चित्रकारी है। अरे वाह, ये तो बड़ी अद्भुत चित्रकारी। ऐसी चित्रकारी जिसमें असली दृश्य और चित्र ऐसे मिल जाते हो कि हमें पता ही ना चले कि असली कौन सा है और चित्र कौन सा, ये तो बड़ा ही अद्भुत है, है ना? हाँ नटखट परी, है लगता ऐसा कि है कि अपने हवा में चित्रकारी। तो ये है वो कमरा जहाँ हम आराम करेंगे। हाँ, और हम आपकी सेवा करेंगे। हाँ भाई, हाँ ढोकला, तू भी यही रहेगा भाई। ये देखो, ये घड़ी बापूजी की यही है, बेचारे ढूंढते होंगे, मैं लेके जाता हूँ। मैं श्वेता, ये कमरे का तो हो गया, लेकिन अब हम दोनों खाएंगे क्या? टेबल। हम टेबल खाएंगे? टेबल पे खाना लगवाता हूँ, ये कह रहा हूँ ताऊजी आपको मैं। अच्छा 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 है, अच्छा है, जाओ जाओ तुम जाके खाना लगवाओ। दो मिनट में खाना लगवाता हूँ, लेकिन पहले घड़ी लेके जाता हूँ। घड़ी कहाँ गई? अरे ढोकला बेटा, ये तूने क्या किया, घड़ी खा गया? अरे किसी के घर मेहमान बनकर आते हैं तो ऐसा करते हैं। क्या घड़ा कुत्ता खा गया? कुत्ता घड़ी खा गया? ढोकला घड़ी खा गया? ढोकला घड़ी खा गया? हाँ, अरे क्या है, जब ढोकले को बहुत भूख लगती है तो वो कुछ भी खा जाता है। यहाँ तो तुम्हारी छोटी सी घड़ी खाई है, गांव में तो पूरा घंटा घर खा गया था। ये घड़ी घूम गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम खाना लगवाने में देरी करो, जाओ जाओ। लगवाता हूँ, लगवाता हूँ, लगवाता। कुत्ता घड़ी खा गया? लाता हूँ बापूजी। ये देख, इस घर की मेरी पहली कमाई। अब आगे आगे देख क्या क्या चुराता हूं मैं इस घर से ढोकले। अरे सॉरी सॉरी, भूल गया, तेरा असली नाम तो 420 है ना? और मैं श्री, और गुस्से से लोग हमें कहते हैं श्री 420। वैसे इस तरह भेष बदल के तो बहुत सारे घरों में चोरियां की, लेकिन ये घर स्पेशल है क्योंकि ये हमारी 100वीं चोरी है, और इस घर में चोरी करते ही हमारी सेंचुरी कंप्लीट हो जाएगी। बस अब अगले 2 दिन में ये पूरा घर हम साफ कर देंगे और फिर मेरा नाम बड़े चोरों में शामिल हो जाएगा, इतनी इज्जत होगी मेरी। अरे हाँ हाँ, गुस्सा मत कर, कितनी इज्जत होगी हमारी। लेकिन अगले 2 दिन तक तुझे अपनी ढोकलेगिरी और मुझे अपनी ताऊगिरी की एक्टिंग एकदम सॉलिड करनी पड़ेगी ताकि इन लोगों को अपने पे शक ना हो।
हाँ।